इससे पहले क्लास हमने पॉलिएस्टर्स को डिस्कस किया था, और इसके बाद जो थे वो आपके पास एपॉक्सी रेजिन्स थे जो मैंने आपको असाइनमेंट में असाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉलीमर हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर रह जाता है वो है पॉलीयूरीथेन। पॉलीयूरीथेन में जो आपके पास यूरीथेन है, बेसिकली ये कार्बामेट्स होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जिनमें आपके पास क्या होता है कि कार्बोनाइल जो आपके पास फंक्शनैलिटी है उसके एक साइड पे अल्काक्सी ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे अल्काइल अमाइन फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। सेम कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे अल्काक्सी यानी ओ आर ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पे आपका अल्काइल अमाइन ग्रुप अटैच होता है। सो इस कंपाउंड को कार्बामेट भी कहा जाता है या इसको यूरिथेन भी कहा जाता है। सो इसी फंक्शनल ग्रुप या इसी कंपाउंड्स को अगर मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट करते जाएं, मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स हों एक आपके पास जो पॉलीमर है, तो उस पॉलीमर की जो फॉर्मेशन है उसको हम उसी हिसाब से पॉलीयूरीथेन का नेम दे देते हैं कि मल्टीपल या मैनी यूरीथेन फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास बनने वाला पॉलीमर पॉलीयूरीथेन है। अच्छा, अब इसकी जो सिंथेसिस है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है। एक तो हमें आइसोसायनेट रिक्वायर है, यानी ये कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास अल्काइल आइसोसायनेट होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास एक अल्कोहल होनी चाहिए। इन दोनों के रिएक्शन के थ्रू आपके पास यूरिथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है यूरिथेन वो किसी एरोमेटिक आइसोसायनेट को लेके भी प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टोलुइन 2,6 डाई आइसोसायनेट को अगर हम इथाइलीन ग्लाइकोल से ट्रीट करें जो कि डायोल है उससे ट्रीट करें, तब भी हमारे पास जो है वो पॉलीयूरीथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि जब अल्कोहल आइसोसायनेट के साथ रिएक्ट करती है तो ये यूरीथेन किस तरह उसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसको क्लास देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास आपके साथ? जी मैम, हो रही है। अच्छा, अब पहला रिएक्शन हमारा था कि अल्कोहल को हमने आइसोसाइनेट के साथ ट्रीट करना है तो हमारे पास यूरिथेन की फॉर्मेशन होनी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है वो कार्बोनाइल सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी की जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे। सो ये न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये जो दो आपके पास पाई बॉन्ड है और जो दो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो आपके पास क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका और इस कार्बन के इन बिटवीन जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल के ऑक्सीजन के इन बिटवीन और ये आइसोसाइनाइड के कार्बन के इन बिटवीन जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा जो कि ये है, ठीक है। साथ ही आपके पास ये कार्बोनाइल है और इस कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन थी उसको मैंने इस साइड पे लिखा है, ये नाइट्रोजन जो है विद नेगेटिव चार्ज क्यों है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चले गए, ठीक है। सो ये आपके पास स्पीशी बन जाएगी। अब यहाँ पे अब विद इन अ मॉलिक्यूल एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर प्रेजेंट है, और साथ ही आपके पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो ये प्रोटॉन यहाँ से जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। सो ये दो स्टेप में होता है कि आपके पास ये रिमूव होगी और फिर एड अप होगी। आप विद इन से एक ही स्टेप में कर सकते हो कि इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा विद इन अ मॉलिक्यूल, कि यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये लीक करेगी और यहाँ नाइट्रोजन जो है उस पे जाके अटैच हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जो कि प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा और आपके पास ये यूरेथेन फंक्शन या कार्बामेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक क्लास क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरिथीन की फॉर्मेशन में जब तक हमारे पास यूरिथीन बना है हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे इससे प्रीवियस हम पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन हमने देखी थी या पॉलीअमाइड्स की फॉर्मेशन देखी थी, तो उस दोनों रिएक्शंस में क्या होता था हमारे पास कि जब हम मोनोमर्स को रिएक्ट करवाते थे तो कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था, या तो वो आपके पास वाटर हो सकता था या वो एचसीएल हो सकता था या इवन ट्रांस एस्टरीफिकेशन की भी जब हमने बात की थी तो वहां पे भी हमारे पास मेथनॉल की रिमूवल या रिलीज हो रहा था, बट ये आपके पास यूरिथेन पॉली यूरिथेन वो वाहिद
आपके पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है जिसकी सिंथेसिस में आपके पास कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन नहीं होती। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या, इसमें किसी भी चीज की एलिमिनेशन नहीं हो रही क्योंकि जो प्रोटॉन है वो भी विद इन अ मॉलिक्यूल रीअटैच हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट कहीं पे भी आपके कोई भी मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो अगर आपके पास हो, अगर आपके पास ये कंपाउंड हो तो उसके थ्रू अगर एरोमेटिक आइसोसाइनेट है आपके पास और आपके पास इथाइलीन ग्लाइकोल है तो फिर आपने किस तरह फॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए एक और बात, क्लास वहां पे आपने देखा है वहां पे टोलुइन 2,6 डाई आइसोसाइनेट लिखा हुआ है और यहाँ पे नेम है 1,3 डाई आइसोसाइनेट और 2 मिथाइल बेंजीन। दोनों में फर्क या रीजन इसका ये है कि वहां पे वो टोलुइन को एज अ पेरेंट जो है वो कंसिडर कर रहा है, तो जो पेरेंट ग्रुप होते हैं वो हमेशा वन पोजिशन पे होते हैं, यानी उस केस में वो मिथाइल को एट वन पोजिशन रख रहा है। तो अगर मिथाइल एट वन पोजिशन होगा तो ये आपकी 2 पोजिशन बनेगी और ये 6 बनेगी, तो 2,6 डाई आइसोसाइनेट टोलुइन या वो टोलुइन 2,6 डायसोसाइनेट की बात कर रहा है वहां पे। बट यहाँ पे जो नंबरिंग की गई है उसमें आपने क्या किया है कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, इसको वन पोजीशन पे रखो या इसको वन पोजीशन पे रखो, और फिर ये जो मिथाइल की जो कार्बन है इसको 2 पोजीशन पे रखा गया है। सो इसी के अकॉर्डिंग जो नेम है हमारे पास वो आता है 1,3 डायसोसाइनेट और 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगर आपने टोलुइन को पेरेंट नेम देना है तो फिर आपको उसको मिथाइल वाली कार्बन को फर्स्ट पोजीशन पे रखना पड़ेगा, बट अगर नहीं देना तो फिर आप प्योरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो नंबरिंग करोगे। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास इथाइलीन ग्लाइकोल और ये हमारे पास गिवन डायसोसाइनेटो है, एरोमेटिक डायसोसाइनेट कंपाउंड है। तो इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसी तरीके से क्या होगा कि हाइड्रोक्सी की ऑक्सीजन अटैक करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, यानी कार्बोनाइल कार्बन पे, और जो आपके पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी कि ये इथाइलीन ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूल है वो थ्रू ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिया उसने, और कार्बन नाइट्रोजन जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन फिर आपके पास विद इन अ मॉलिक्यूल प्रोटॉन ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन के से प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफर आपके पास कुछ ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्लास आपके पास ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये एंड भी आपके पास चेन एंड, अगर हम इसको एक पूरी चेन कंसिडर करें तो इसमें एक जो एंड है ये भी अवेलेबल है जो कि रिएक्टिव एंड है, और यहाँ पे भी एक एंड अवेलेबल है जो कि रिएक्टिव एंड है, यानी सेकंड स्टेप में अब ये दो मोनोमर्स के साथ रिएक्ट कर सकता है आपका ये डाइमर, यानी एक साइड से वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये वाला जो ग्रुप है ये रिएक्ट कर सकता है आपके 1,3 डायसोसाइनेट 2 मिथाइल बेंजीन के साथ। ठीक है, ये वाला एंड, ये हाइड्रोक्सी उसी तरीके से किसी एक डायसोसाइनेटो के किसी एक साइनेटो के साथ रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ पे ये जो आइसोसाइनेटो ग्रुप है ये किसी इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो दो मोनोमर्स आप यूज कर सकते हो, इथाइलीन ग्लाइकोल जो कि इसके लिए यूज हो जाएगा, और यहाँ पे आप टोलुइन 2,6 डायसोसाइनेटो यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया क्लास? Yes, और यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, सो इसीलिए आपके पास अगर आप देख रहे हो तो मैंने सिर्फ एक स्टेप करवाया है। ठीक है, यहाँ पे उसने मल्टीपल, देखो अगर आप करवाओगे यहाँ पे जो हमारे पास आइसोसाइनेटो ग्रुप वहाँ पे था प्रेजेंट, उसको मैंने कहा ग्लाइकोल से ट्रीट करवाओ, तो जाहिर सी बात है वो भी आपके पास जो है वो यूरिथेन ग्रुप में या कार्बामेट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से भी चेन ग्रो करती जाएगी। सो ये आपकी कंप्लीट चेन या जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यू प्रोपेगेट करती रहेगी, कॉन्टिन्यू रहेगी, और फिर आपके पास ये पोली यूरिथेन बनेगा, यानी डाइमर बनेगा, उसी तरीके से टेट्रामर बनेगा, हेक्सामर बनेगा, बट कोई भी एलिमिनेशन नहीं है स्मॉल मॉलिक्यूल के।
बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीयूरेथेन जो है इसकी प्रिपरेशन में अगर आप ग्लोइंग एजेंट्स को यूज करें, ग्लोइंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन कंपाउंड्स को अगर ग्लोइंग एजेंट्स को यूज किया जाता है ड्यूरिंग पॉलीयूरेथेन फॉर्मेशन, तो आपके पास जो पॉलीयूरेथेन है वो फोम की फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर होती है। सो इनको फोमिंग एजेंट या ब्लोइंग एजेंट्स कहा जाता है, जो कि अगर आपने फोम की फॉर्म में यूरिथेन बनानी हो पॉलीयूरिथेन तो आप ब्लोइंग एजेंट्स डालोगे। और इनमें से भी आपके पास जो क्लोरो फ्लोरोकार्बन है, हमें पता है कि वो इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है वो हार्मफुल है, सो इसीलिए जो उसका यूज है या उसकी एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है एज अ ब्लोइंग एजेंट। अदरवाइज बाकी जो ब्लोइंग एजेंट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं अगर हमने यूरिथेन पॉलीयूरिथेन इन द फॉर्म ऑफ फोम बनानी हो, ठीक है। और लास्ट में क्लास आपके पास ये है कि एक पॉलीयूरिथेन हमारे पास है जो कि फैब्रिक फॉर्म में होता है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये पॉलीयूरिथेन कंप्लीट पॉलीयूरिथेन नहीं होता, इसमें बाकी पॉलीमर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली एक ब्लॉक पॉलीमर होता है जिसमें आपके पास सिर्फ प्योर पॉलीयूरिथेन नहीं होता बल्कि पॉलीएस्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, पॉलीएमाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके पास पॉलीयूरिथेन है तो वो आपका प्योर पॉलीयूरिथेन पॉलीमर नहीं है और वो फैब्रिक फॉर्म में होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखता है, जिसे स्पेंडेक्स का नेम दिया जाता है। और ठीक है, और इसमें जो है आपके पास क्रिस्टलाइन पोर्शन भी होता है और अमार्फस पोर्शन भी होता है। यहाँ तक क्लास सिर्फ पॉलीयूरिथेन की सिंथेसिस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, कहाँ पे जाके हाइड्रोक्सीनेट करना है, कार्बामेट की फॉर्मेशन कैसे होनी है, और जो इथाइलीन ग्लाइकोल है वो आपका टॉलुइन 2,6 डाइसोसाइनेट के साथ जो रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने सिर्फ डायमर तक आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद आपने फर्दर चेन इसको कंटिन्यू रखना है और फिर आपके पास जो है कोई भी जो रिपीट होता जा रहा है रिपीटिंग यूनिट, उसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, उसके नीचे आपने एन लिखना है क्योंकि एन टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है और आपके पास पॉलीयूरेथेन की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ तक क्लास हमारे पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स थे या स्टक ग्रोथ पॉलीमर्स थे वो यहाँ पे लास्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे उनको कंडेंसेशन पॉलीमर जो है जितने हमने पढ़ने थे वो हमने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी मिलेंगे आपको लिटरेचर में, बट ये जो पॉलीएस्टर्स हो गए, पॉलीएमाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, एपॉक्सी रेजिन्स हो गए, पॉलीयूरेथेन्स हो गए, ये आपको मोस्टली मिलेंगे, तो ये हम कवर कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्लास इसकी सिंथेसिस क्लियर है? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारा है सिंक्रोनिसिटी एंड ग्लास ट्रांजिशन टेंपरेचर। अब इसमें आपके पास जो वर्ड है क्रिस्टलिनिटी का, ये क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन का वर्ड हम कब यूज करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर है उसको डिस्क्राइब करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलिनिटी। जो मोस्टली पॉलीमर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं होते, यानी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर प्रेजेंट हो, या ऐसा भी नहीं होता हमारे पास 0% क्रिस्टलाइन पॉलीमर प्रेजेंट हो। 0% क्रिस्टलाइनिटी या 0% क्रिस्टलाइनिटी का ये क्रिस्टलाइन होने का मतलब है कम्प्लीटली अमॉर्फस, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं होता कि या तो प्योरली क्रिस्टलाइन हो या प्योरली अमॉर्फस हो। हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं वो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिसमें आपके पास क्रिस्टलाइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसमें अमॉर्फस पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर हमने पॉलीमर्स को स्टडी करना है, पॉलीमर्स में हमने क्रिस्टलिनिटी को स्टडी करना है, पॉलीमर में अगर हमने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक टॉपिक है जिसको स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है वो क्या होता है, तो हमें इन दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि क्रिस्टलिनिटी भी है और अमॉर्फस भी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर होते हैं या तो वो अमॉर्फस नेचर होते हैं या फिर आपके पास सेमी क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन नेचर में ज्यादा पॉलीमर एग्जिस्ट करते हैं, जिस सेमी क्रिस्टलाइन वो फॉर्म है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म भी प्रेजेंट होगी और जिसमें अमॉर्फस फॉर्म भी प्रेजेंट होगी।
अब हमें पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प शार्प होता है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। फिर हमें ये भी पता है कि जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें डेफिनेट अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है उनके रिस्पेक्टिव या कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स की, जो कि आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, और ये थ्री डायमेंशनल पैटर्न में या थ्री डायमेंशनल ऑर्डर में अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में, और उसी को आप क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हो। और जो बनने वाला कंपाउंड है उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, डेफिनेट अरेंजमेंट है, इसकी वजह से ये क्लोज पैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हाई हो जाती हैं, यूनिफॉर्म हो जाती हैं, और आपके पास जो डेंसिटी है कंपाउंड्स की वो इंक्रीज कर जाती है, और आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं। देन फिर अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स आपके पास क्या होते हैं, ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर मैनर ऑफ अरेंजमेंट नहीं प्रेजेंट होती, डिसऑर्डर्ड होते हैं, शेपलेस होते हैं। चूंकि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, और इसी वजह से जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, हम प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि पॉलीमेरिक मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं, उस पॉलीमेरिक मटेरियल की क्रिस्टलिनिटी की टर्म को स्टडी कर रहे हैं, और उसी पॉलीमेरिक मटेरियल में हमें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को स्टडी करना है कि वो क्या होता है। सो पॉलीमेरिक मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं होता, वो या तो सेमी क्रिस्टलाइन होता है या आपके पास अमॉर्फस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट मोस्टली सेमी क्रिस्टलाइन होता है, यानी उसमें कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन पार्ट होता है और कुछ पार्ट अमॉर्फस पार्ट होता है। तो इट मीन्स अगर जो क्रिस्टलाइन पार्ट होगा वहाँ पे आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट होगी, आपके पास ऑर्डर अरेंजमेंट होगी, जबकि जो अमॉर्फस पार्ट होगा वहाँ पे आपके पास डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टलिनिटी। ये टर्म क्या है कि जब आप किसी पॉलीमर को हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलीमर को आप हीट करना शुरू करते हैं या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब हीट का मतलब यही है कि आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो पॉलीमर है वो ग्लासी स्टेट से जो चेंज होना शुरू हो जाता है वो रबरी स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है, और फाइनली वो एक विस्कस स्टेट में चेंज हो जाता है जो कि सेमी क्रिस्टलाइन स्टेट होती है। आपके पास ये जो फिनोमिना है कि आपका जो पॉलीमर है वो ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट में चेंज हो रहा है और रबरी स्टेट से फाइनली वो विस्को फ्लड स्टेट में चेंज हो रहा है, ये फिनोमिना जो है बेसिकली ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर में आता है। यहाँ पे आपको एक टर्म लिखी हुई नजर आ रही है टीजी। टीजी इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जब आपके पास जो पॉलीमर है वो ग्लासी स्टेट से चेंज होता है रबरी स्टेट में। इसको समझने के लिए क्लास इस तरह है कि अगर आपके पास कोई रबर बॉल प्रेजेंट हो और आपके पास वो रबर बॉल जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में प्रेजेंट है, टफ प्लास्टिक की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर आप उसको लो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर लो कर दो, यानी इनवर्स में जा रहे हैं हम, रिवर्स कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रबर फॉर्म में, रबरी स्टेट में कोई प्लास्टिक प्रेजेंट है, रबर बॉल प्रेजेंट है, उस रबर बॉल को आप लो टेम्परेचर पे लेके जाओ, तो एक पॉइंट वो आता है जिसमें वो रबर बॉल बॉल जो है वो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो अगर आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो तो वो ब्रेक कर जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास रबर बॉल थी वो आपकी टफ प्लास्टिक स्टेट से ब्रिटल प्लास्टिक में चेंज हो गई है, क्योंकि अब आप उसको, वो प्लास्टिक तो है बट अब आप उसको जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ब्रेक कर रही है। सो इट मींस कि पॉलीमर में ग्लासी स्टेट वो स्टेट है जो कि हार्ड होती है, जो कि ब्रिटल होती है। तो हार्ड एंड ब्रिटल स्टेट जो है उसको ग्लासी स्टेट कहा जाता है, और जो आपके पास सॉफ्ट एंड टफ स्टेट होती है, फ्लेक्सिबल स्टेट होती है, उसे आप रबरी स्टेट कहते हो। हर पॉलीमर के लिए आपके पास, चूंकि वो सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपके पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, यानी वो टेम्परेचर होता है जिसमें आप पॉलीमर को ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और हर पॉलीमर जो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं उनके लिए आपके पास TM यानी मेल्टिंग टेम्परेचर भी प्रेजेंट होता है, जिसमें ये रबरी स्टेट जो है वो आपकी विस्को फ्लड स्टेट में चेंज
चेंज हो जाती है, यानी आपका पॉलीमर मेल्ट कर जाता है। ठीक है, यानी ये क्या चीज है क्लास, कि यहाँ ग्लासी स्टेट वो स्टेट है आपके पास जहाँ पे हार्ड एंड ब्रिटल फॉर्म प्रेजेंट है, रबरी स्टेट वो है जहाँ पे आपके पास सॉफ्टनेस आ जाती है और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से रबरी स्टेट को आप थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेच कर सकते हो माइन्यूट सा, जबकि जो ग्लासी स्टेट होती है उसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वो ब्रेक कर जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रहने दो, इस ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को और मेल्टिंग टेम्परेचर को हमने डिटेल में स्टडी करना है तो वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको कि ये वो ट्रांजिशन बता रहा है कि ये वाली जो स्टेट आपको नज़र आ रही है ये ग्लासी स्टेट है क्योंकि ये ब्रेकेबल है, जबकि ये वाली जो स्टेट है ये आपकी सॉफ्ट स्टेट है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत आ जाती है तो ये आपकी रबरी स्टेट है। सो ये आपकी दो स्टेट्स हैं, ग्लासी स्टेट एंड रबरी स्टेट, और यही हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलीमर है वो कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं है, उसमें आपके पास अमॉर्फस रीजन भी है और वो क्रिस्टलाइन रीजन भी प्रेजेंट है। वही अमॉर्फस रीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट में कन्वर्ट होने में, यानी जब ग्लासी स्टेट रबरी स्टेट में जाती है थ्रू हीटिंग या रबरी स्टेट ग्लासी स्टेट में जाती है थ्रू कूलिंग, तो क्या होता है कि जो इनका अमॉर्फस रीजन होता है वो चेंज होता है, जो अमॉर्फस पार्ट होता है वो बेसिकली चेंज होता है इस ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट कन्वर्जन में या रबरी स्टेट से ग्लासी स्टेट कन्वर्जन में। और जब आपके पास रबरी स्टेट जो है वो विस्को फ्लड स्टेट में चेंज होती है तो यहाँ पे कौन से पार्ट में चेंज आता है, वो है आपका क्रिस्टलाइन पार्ट, यानी जो आपकी सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर है उसका क्रिस्टलाइन पार्ट जो है अगर वो मेल्ट कर जाए तो आपके पास जो है वो विस्को फ्लड स्टेट आ जाती है। सो क्योंकि दो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है विद इन द सेम पॉलीमर, सो इसीलिए आपको दो टेम्परेचर नजर आ रही है, एक टेम्परेचर ट्रांजिशन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है और एक टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये मेल्टिंग टेम्परेचर वो है जिस पे आपकी क्रिस्टलाइन मेल्ट करती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज आता है, जबकि ये टेम्परेचर वो है जिसमें ट्रांजिशन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो है जिसमें आपकी अमॉर्फस फॉर्म में चेंज आता है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि आपके पास जो हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स हमारे पास सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं, यानी हमारे पास इसमें क्रिस्टलाइन पार्ट भी होता है और अमॉर्फस पार्ट भी होता है। जब पॉलीमर को हीट किया जाता है तो पॉलीमर हमेशा क्या होता है कि वो ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट में चेंज होता है और फाइनली वो विस्कस स्टेट में चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पॉलीमर्स होते हैं वो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास अमॉर्फस के साथ साथ क्रिस्टलाइन परसेंटेज भी प्रेजेंट होती है। यही अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल होती है टू बिहेवियर्स के लिए या टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है एंड मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी पे। अगर ये क्लियर नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ होगा मुझे पता है, लेकिन अभी तक के लिए जितना भी पॉइंट मैंने कहा है बस उतना याद रखो। इस टीजी और टीएम को फर्दर डिटेल हमने डिस्कस करना है तो वो आपको वहां पे जाके ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी क्या है कि चूंकि पॉलीमर लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं और इसी वजह से जो लार्ज साइज होने की वजह से जो पॉलीमर क्यों नहीं एग्जिस्ट करते कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन फॉर्म में, रीजन ये है कि जब लार्ज साइज हो जाता है आपके पॉलीमर का तो जो रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न है आपके पास उस पॉलीमर में, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि रेगुलर अरेंजमेंट हो या ऑर्डर अरेंजमेंट हो। तो इसी वजह से विद द इंक्रीज इन मोलेकुलर वेट क्या होता है कि जो क्रिस्टलिनिटी है वो ड्रॉप कर जाती है, क्रिस्टलिनिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल को वो फ्री स्पेस नहीं मिलती या उन्हें डिफिकल्टी होती है अरेंज करने में अपनी लॉन्ग चेन्स को एक रेगुलर पैटर्न में, इसी वजह से जो क्रिस्टलिनिटी है वो पॉलीमर में कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होती, 100% प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से आपके जो पॉलीमर हैं वो अगर 100% क्रिस्टलाइन नहीं है तो इसीलिए वो सेमी क्रिस्टलाइन है, यानी उनका कुछ पोर्शन या कुछ ऐसा रीजन होता है जो कि क्रिस्टलाइन होता है, बस फिर कुछ ऐसा रीजन होता है जो कि आपका अमॉर्फस होता है। इसको समझने के लिए ये देखो क्लास, ये मैं ये बात कर रही हूँ, ये देखो ये आपके पास सेमी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसमें आपको कुछ चेन्स ऐसी नजर आ रही है जो कि टेंगल्ड चेन है, इररेगुलर मैनर में अरेंज है,
ये जो आपको नजर आ रही है ये इरेगुलर अमॉर्फस फेस है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू पोर्शन लाइट ब्लू, ये आपका क्या है, ये वो ये यहाँ पे आपके पास जो चेन है वो आपके रेगुलर मैनर में अरेंज है, सो ये आपका क्रिस्टलाइन फेस है। सो एक ही पॉलीमर में आपके दो फेजेस प्रेजेंट है, एक क्रिस्टलाइन फेस और एक अमॉर्फस फेस, और ये वाला ही रीजन वो है जिसमें आपकी जो है कम्प्लीटली अमॉर्फस फेस प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे आपको कोई रेगुलर अरेंजमेंट या क्रिस्टलाइन पार्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास जो पॉलीमर एग्जिस्ट करते हैं उनमें ये दोनों फेसेस प्रेजेंट होती हैं, यानी अमॉर्फस फेस भी प्रेजेंट होती है और क्रिस्टलाइन फेस भी प्रेजेंट होती है। सो हम इसी को स्टडी कर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, लेंथ चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, तो मॉलिक्यूल के लिए रेगुलर मैनर में अरेंज होना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हाई मोलेकुलर वेट पॉलीमर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें, वो जो है वो इसी वजह से कुछ पार्ट उनका क्रिस्टलाइन होता है, कुछ पार्ट उनका अमॉर्फस होता है, क्योंकि यहाँ आपको अमॉर्फस रीजन में नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूल जो है उनकी जो चेन है वो टेंगल्ड हुई हुई है, यानी टेंगल्ड होने से वो एक तो जो है वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही है, और दूसरा उनके लिए अरेंज होना, ऑल्दो ये रैंडम अरेंजमेंट है बट ये अरेंज करना उनके लिए ईजी है बजाय इसके कि वो रेगुलर मैनर में अरेंज हो। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आया क्लास या नहीं? अच्छा, उसके बाद जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है, यानी अगर हम उनकी प्रॉपर्टी देखें, तो जो आपके पास क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स यानी ऐसे पॉलीमर जिनमें जो क्रिस्टलाइन पार्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी का मतलब ये है कि जो आपके सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं उनमें जो क्रिस्टलाइन फेज है या क्रिस्टलाइन पार्ट जितना बढ़ता जाएगा उतनी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी बढ़ती जाएगी, जितनी डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइनिटी बढ़ती जाएगी उतनी ही रेगुलर अरेंजमेंट या ऑर्डर जो मैनर है वो बढ़ता जाएगा, ऑर्डर अरेंजमेंट बढ़ती जाएगी, जितनी ऑर्डर अरेंजमेंट बढ़ती जाएगी उतनी ही पैकिंग ऑफ दैट पॉलीमर जो है वो क्लोज होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ दैट पॉलीमर बढ़ती जाएगी। सो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीमर। साथ ही अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे लीनियर एंड ब्रांच पॉलीमर, और वहां पे हमने बात की थी जो लीनियर पॉलीमर होते हैं उनमें आपके पास क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट या क्रिस्टलाइन पार्ट ज्यादा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ज्यादा होती है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी हाई होती है, और इसी वजह से जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी आपके पास डेंसिटी हाई होती है, उन्हें हाई डेंसिटी पॉलीमर्स कहा जाता है, जबकि जो ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं उनमें आपके पास डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी जो है वो लेस होती है, इसी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो आपके पास भी स्मॉल होती है, क्योंकि उनमें जो पैकिंग है वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये जो टर्म है डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इसको कैसे मेजर किया जाता है इन सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा है डेंसिटी मेथड, यानी डेंसिटी मेथड को हम यूज करते हैं और उसके थ्रू हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी फाइंड आउट करते हैं, और इसी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी पॉलीमर में डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी हाई है सो इट मींस कि उस पॉलीमर की जो डेंसिटी है वो भी हाई होगी, क्योंकि उसमें क्रिस्टलाइन पार्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमॉर्फस पार्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को फाइंड करने का थ्रू डेंसिटी मेथड, तो यहाँ पे ये जो रो नजर आ रही है ये डेंसिटी है, सो ये परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो कि आपके पास पी सी रो सी ओवर रो सी माइनस रो ए डिवाइडेड बाय रो एस माइनस रो ए इंटू 100। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रो सी क्या है, रो सी है डेंसिटी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन पॉलीमर, एंड रो ए इज द डेंसिटी ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर, एंड रो एस इज द डेंसिटी ऑफ दैट स्पेसिमन जिसकी आप यानी वो पॉलीमर जिसकी आप क्रिस्टलिनिटी फाइंड आउट करने लगे हैं, यानी जो कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन परफेक्ट क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है उसकी डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए,
जो आपके पास अमॉर्फस कंप्लीटली अमॉर्फस पॉलीमर होता है उसकी जितनी डेंसिटी होती है वो आपकी रो ए की इक्वल होती है, और जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है वो है रो एस। ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी परसेंटेज फॉर्म में आएगी, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर नहीं करोगे तो सिर्फ डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी आएगी। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी आपको ये बताएगी कि इधर आपका जो पॉलीमर है वो हाईली डेंस है या आपका पॉलीमर जो है वो लो डेंसिटी रखता है, और साथ ही आपका जो पॉलीमर है अगर उसमें क्रिस्टलाइन पार्ट ज़्यादा है तो आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट ज़्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा शार्प की तरफ जा सकता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। सो अगर आप एक सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर में भी क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जा रही है तो उनकी प्रॉपर्टी टूवर्ड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ आया क्लास या नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। सो पहला फैक्टर है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके पास जो परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी है वो आपके पास डिक्रीज करती जाती है। रीज़न ये है कि अभी मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, तो ये डिक्रीज करती जाती है। इसको ठीक कर लेना। अच्छा, उसके बाद है सिमेट्री ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जैसे जैसे आपके पास अगर आप जो पॉलीमर बना रहे हो उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं जिनको हम एन टाइम्स लिखते हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स सिमेट्रिकल रिपीटिंग यूनिट्स हैं, यानी एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट्स हैं। और हमें पता है जो हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं उनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं वो रिपीट होते जाते हैं। या जो होमो पॉलीमर्स होते हैं जो एक ही तरह के मोनोमर से बनते हैं उनमें भी जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल यूनिट्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 ग्रुप्स रिपीट होते जा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो आपकी फैसिलिटेट करती है आपकी क्रिस्टलिनिटी को। सो अगर आपके पास रिपीटिंग यूनिट सेम है, या अगर हम बात करें, हमने कॉन्फिगरेशन की बात की थी पॉलीमर्स की, आइसोटैक्टिक सिंडियोटैक्टिक एंड एडैक्टिक। सो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी की बात करें, सो अगर हमारे पॉलीमर जो हैं वो सिंडियोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका क्रिस्टलाइन पार्ट ज़्यादा होगा, जबकि जो एटैक्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल जिनकी एटैक्टिक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें हमें पता है कि रैंडम अरेंजमेंट होती है, सो इसी वजह से वो अमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो आपकी जो टैक्टिसिटी वो भी डिसाइड करेगी कि वेदर आपकी क्रिस्टलिनिटी जो है वो हाई होगी या लो होगी। फिर हमने बात की ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग से हम कैसे बता सकते हैं, मैंने अभी आपसे कहा जो लीनियर आपके पास पॉलीमर होते हैं लीनियर चेन पॉलीमर होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं और डेंसिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन क्रिस्टलिनिटी। सो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई पॉलीमर हाईली डेंस है इट मीन्स वो परफेक्टली लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और उसमें जो क्रिस्टलाइन स्टेट है वो हाई है, ये क्रिस्टल डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी या परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी हाई होती है और इसी वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। जबकि जो लो डेंसिटी आपके पास होते हैं वो आपके पास पॉलीमर कौन से होते हैं जो कि लीनियर तो नहीं होते, ये बेसिकली ब्रांच होते हैं और ब्रांच होने की वजह से क्या होता है कि इनमें जो आपके पास क्रिस्टलिनिटी परसेंटेज इनमें जो क्लास परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी होती है या क्रिस्टलाइन स्टेट होती है वो लेस होती है आपके पास ब्रांच पॉलीमर के केस में। सो इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी लो होते हैं और इनकी डेंसिटी भी लो होती है। फिर आ जाते हैं क्रॉस लिंकिंग। हमने एक वल्कनाइजेशन वाला प्रोसेस पढ़ा था जहाँ हमने क्रॉस लिंकिंग को देखा था। सो अगर उसी तरह की क्रॉस लिंकिंग हमारे पास प्रेजेंट हो या हमारे पास कोई क्रॉस लिंक पॉलीमर प्रेजेंट हो तो क्रॉस लिंकिंग कैसे इफेक्ट करती है आपके जो है वो क्रिस्टलिनिटी को। अगर आपके पास क्रॉस लिंकिंग बढ़ती जाती है तो आपके पास जो क्रिस्टलिनिटी है वो आपकी डिक्रीज करती जाती है।
ठीक है, रीजन क्या है कि आपके पास जो क्रॉस लिंक्स होते हैं, वो क्रॉस लिंक्स होने की वजह से रेगुलर अरेंजमेंट चेन को रेगुलरली अरेंज नहीं करने देते, क्योंकि एक ही चेन दूसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक है. सो इसी तरह वो दूसरी चेन तीसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक है. तो क्रॉस लिंक होने की वजह से आपके पास जो रेगुलर मैनर है, रेगुलर अरेंजमेंट जैसे अभी हमने देखी, वो पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, या रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है उनके लिए, जो अपने आप को रेगुलर मैनर में अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट मीन्स कि क्रॉस लिंकिंग जो है वो आपकी क्रिस्टलिनिटी को डिक्रीज करती है. ठीक है, और रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो आपकी क्रिस्टलिनिटी को इंक्रीज करते हैं. फिर आपके पास जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फिग्रेशन है, उसमें जो सिंडियोटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक कॉन्फिग्रेशन होती है, वो हमेशा लीड करती है टुवर्ड्स हाई क्रिस्टलिनिटी, हाई डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी या हाई परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी के. यहाँ तक क्लास को समझ आया या नहीं? अच्छा, फिर आपके पास इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर की, ये जो क्रिस्टलिनिटी है ये पॉलीमर की प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है. सो जैसे जैसे क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जाती है.